अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर झारखंड प्रदेश यादव महासभा के द्वारा पूरे देश में शौर्य यात्रा निकाला जा रहा है। इसी के तहत रामगढ़ में शुक्रवार को शौर्य यात्रा निकाली गई। शौर्य यात्रा MMT ग्राउंड से शुरू होकर थाना चौक चट्टी बाजार होते हुए सुभाष चौक पहुंचकर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात यात्रा अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए अशोक कुमार यादव ने कहा कि यादव महासभा पूरे भारतवर्ष में वीर अहीर शौर्य दिवस के रूप में भारत के सभी जिलों में आज शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये शौर्य दिवस 1962 रेजांगला युद्ध जिसमें हमारे 113 यादव सैनिक थे, शैतान सिंह भाटिया जी के नेतृत्व में 113 वीरों ने, जब अचानक चीन वालों ने हम पर हमला बोल दिया भारतवर्ष पर, तो यहाँ पर उन लोग को डायरेक्शन दिया गया कि आप लोग पीछे हट जाएं। भारत सरकार के द्वारा बोला गया कि आप लोग पीछे हट जाएं, लेकिन शैतान सिंह ने, मेजर शैतान सिंह ने यदुवंशियों से कहा कि हम लोग कम संख्या में हैं, हमें आदेश मिला है कि आप लोग सब पीछे हट जाएं। लेकिन वहां पर हमारे 113 वीर अहीरों ने एक ही लाइन में कहा कि हम लोग चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग वापस नहीं जाएंगे। बाइक रैली का उद्देश्य क्या है? हम लोग नहीं जाएंगे और अंतोगत्वा जय दादा किशन की बोलकर पूरे 4700 चीन सैनिक को ध्वस्त कर दिया और अपने देश की रक्षा किया, अपना शहादत दिया। आज उसी 20 अहीर शहीदों के ये उपलक्ष में हम लोग शौर्य दिवस मनाते हैं 18 नवंबर को। और आज हम लोग का काज बाइक रैली का मकसद है, अहीर शौर्य दिवस के रैली के माध्यम से हम लोग माननीय उपायुक्त रामगढ़ के समक्ष जाएंगे और हम लोग एक उपायुक्त महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को अहीर रेजिमेंट का गठन के लेके हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। रेजांगला के वीर शहीदों और अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर आज शौर्य यात्रा निकाला गया है जिसमें जिले के यादव समाज के लोग जमा हुए हैं। श्री यादव ने कहा कि 1962 का यह युद्ध हमारी वीरता एवं राष्ट्र के प्रति हमारे समाज के योगदान को प्रदर्शित करता है। बहादुर जवानों की याद में हर वर्ष आज के दिन ही हम पुनः रेजांगला युद्ध की गाथा को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। उन वीर जवानों में अहीर जवानों ने भी अपनी जान की बाजी लगा दी थी। लगभग 100 वर्ष से पुरानी अहीर रेजिमेंट की हमारी मांग आज भी अधूरी है। अहीर रेजिमेंट हमारा हक है और हम इसे लेकर रहेंगे। शौर्य यात्रा में रघुनाथ यादव, कमलेश यादव, अशोक यादव, कुलदीप यादव, संजय यादव, दीपक यादव, सिकंदर यादव, सुरेश यादव, विनीत यादव, सुरेंद्र यादव, दशरथ यादव, राजेंद्र यादव, रवि यादव, पवन यादव, दीपक यादव, अशोक यादव, लखन यादव, चंदन यादव, विजय यादव, बजरंगी गोप, संतोष यादव, शंकर यादव, सुरेंद्र राय, पप्पू यादव, वीरेंद्र यादव सहित यादव महासभा के पदाधिकारी उपस्थित थे। रामगढ़ देश की रिपोर्ट।